देखो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का हाल कुछ ऐसा है कि तोला भर के 3 कचौड़ी, खुरमा माँ से 2.5 का, खान साहब ने ब्याह रचाया, लहंगा बेच लुगाई का, खुद देश में गृह युद्ध के हालात हैं। फिर भी अब इजराइल में सीज फायर होने के बाद कश्मीर मामले में फिर से कूदे, तो वहीं आखिरकार अमेरिका ने चीनी सुइयों को क्यों बैन कर दिया। तो सबसे बड़ी खबर, अब भारत में तैनात हो रहे हैं B2 बॉम्बर्स, वो भी बड़ी संख्या में। आखिर क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। क्या हम एक बड़े युद्ध के बीच में हैं और वही कर रहे हैं जो चीन चाहता है? देखो, चीन की हरकतों को बखूबी समझता है अमेरिका। आपको याद होगा जब महामारी शुरू हुई तब ट्रंप राष्ट्रपति थे और ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव बना कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन ट्रंप ने लॉकडाउन नहीं लगाया, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते रह गए। भले इसका खामियाजा आम जनता को चुकाना पड़ा, पर क्या ट्रंप गलत थे? ट्रंप ने चीन की एक बड़ी साजिश को नाकाम करा, पर होता यह है कि आम जनता वही देखती है जो उन्हें दिखता है। ट्रंप को गद्दी छोड़ना पड़ा और बाइडेन आए। बाइडेन ने 2-3 महीने में वैक्सीनेशन करवा दिया और सारा चीज कंट्रोल कर लिया। हालांकि ट्रंप के दौर में भी अमेरिका में वैक्सीन के ऊपर खोज चल रही थी, काम चल रहा था, पर वैक्सीन तैयार हुआ नहीं था। अब बाइडेन की वाहवाही होने लगी। भारत की बात करते हैं, भारत ने पहले ही दौर में लगा दिया लॉकडाउन, महामारी उस स्तर से नहीं फैली, लोगों के जान बच गए। पर क्या भारत दुनिया के देशों में फैल रही महामारी से नहीं सीख पाया? क्या भारत को ऐसे इनपुट नहीं मिले होंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि दूसरी लहर आ सकती है? और आखिर दूसरी लहर जो भारत को इतना ज्यादा परेशान कर रही है, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान को परेशान क्यों नहीं कर रही है? जिस तरह के केस भारत में आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में क्यों नहीं आ रहे? दोनों की दूरी तो बहुत ज्यादा है नहीं, और इन देशों ने पाबंदियां तो तब लगाई है जब भारत में इस महामारी ने विकराल रूप ले लिया। अगर दूसरा फेज धीरे धीरे फैला है तो ये तो फैल के पाकिस्तान भी जाना चाहिए, बांग्लादेश भी जाना चाहिए, वहाँ पर भी नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरी लहर हमारे ऊपर एक बड़ा हमला है, और हो सकता है कि तीसरी लहर भी, जो हम ये सोच रहे हैं कि कोई हल्की फुल्की होगी, वो कहीं और बड़ा ना हो। अब बात ये है कि भारत पर हमला होगा क्यों? तो आप जब से महामारी फैली है उसके बाद की चीजों को देखिए। भारत ने वैक्सीन कूटनीति में सफलता पाली, चीन को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, चीन बदनाम हो गया, दुनिया भर में हर मंच पर भारत आगे बढ़ने लगा, दुनिया भर के देशों को वैक्सीन की सप्लाई होने लगी। मतलब कि भारत आगे और आगे ही बढ़ रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था जो पहले लॉकडाउन की वजह से डाउन हुई थी, वो भरपाई बहुत तेजी से भारत करने लगा। अब बात है कि भारत के इस महामारी में फंसने से किसको फायदा हो सकता था? तो सबसे बड़ा फायदा चीन को हो सकता था, और चीन को हो भी रहा है। अब आप सोचेंगे अमेरिका और रूस इस मामले में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो देखो, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते हैं। इस तरह के जैविक हथियारों के खोज पर सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि रूस और अमेरिका भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब ये देश क्या कर रहे हैं? आप फंसे रहो महामारी में और ये देश मंगल पर अपने कॉलोनी बना रहे हैं। भारत 10 साल पीछे चला गया। अब भारत को खुद को संभालने में ही वक्त लग जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को भी अब तैयार रहना होगा इस तरह के जैविक हथियारों से बचने के लिए और जवाब देने के लिए भी। अमेरिका ने चीन की नस को बखूबी पहचाना है, जिसकी वजह से अब चीनी सिरिंच और सुइयों पर भी पाबंदी लगा दी है। अमेरिका की FDA ने ये कहा है कि चीनी सुइयां और सिरिंच अपने मानक पर खरा नहीं उतर रही हैं। दरअसल अमेरिका हर उस रास्ते को बंद कर रहा है जहां से चीन अमेरिका को किसी तरह की हानि पहुंचा सके। तो वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाने के लिए चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के आसपास में अपने सैनिकों की जहां तैनाती शुरू कर दी है, तो वहीं भारत ने भी अब बड़ा फैसला ले लिया है। भारत और अमेरिका इस मामले में आगे आ रहे हैं, जानेंगे उसके बारे में भी। पर उससे पहले ये जान लें कि कुरैशी ने अब इजराइल का मामला शांत होने के बाद एक बार फिर भारत की तरफ रुख करा है, और उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर का मसला जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम भारत से कोई बात नहीं करेंगे। पर आपको बता दें, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कश्मीर छोड़ो, पाकिस्तान
पाकिस्तान को पहले खुद को देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जिन उग्रवादी संगठनों को पाकिस्तान ने खड़ा करा था, अब उनके लिए ही बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। यही वजह है कि हाल फिलहाल में सड़कों पर उतर आए लोग और प्रशासन को बाध्य होना पड़ा उनकी मांगों को मानने के लिए। खैर, पाकिस्तान की छोड़िए, आखिर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स भारत में क्यों तैनात हो रहे हैं? देखो, पिछली बार भी जब चीन के साथ विवाद बढ़ा था लद्दाख में, तब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को हिंद महासागर के अपने इस एयर बेस में तैनात करना शुरू कर दिया था। डियागो गार्सिया का यह बेस यहाँ पर है और यहाँ पर है भारत। यहाँ से चीन को काउंटर करना बहुत आसान है, लेकिन अब चीन को बहुत अच्छे से काउंटर करने के लिए अमेरिका मिलिट्री बेस ढूंढ रहा है। अब ये ढूंढ रहा है या बेका, कोमकासा, लेमोआ इन फैक्ट की वजह से बन चुका है क्या? देखो, जो आदमपुर, अम्बाला, चंडीगढ़, हलवारा, हिंडन, जैसलमेर, जामनगर, जोधपुर, पठानकोट, ये सारे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर। और अब अमेरिकी विमान यहाँ उतर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पैक्ट साइन हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। और ऐसा नहीं है कि भारत के विमान डियागो गार्सिया वगैरह में नहीं उतर रहे हैं, दोनों ही देशों के विमान अब उतरना शुरू हो गए हैं। पर अब अमेरिका इस एरिया में पूरी तरीके से एक मिलिट्री बेस बना रहा है, और कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री बेस भारत में ही है। इसके संबंधित आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि उसे और भी मिलिट्री बेस चाहिए ताकि चीन को काउंटर किया जा सके, और भारत उनमें से एक है। अब यहाँ पर ताइवान को लेकर भी चीन एग्रेसिव हो रहा है, और इस एरिया में अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स की तैनाती दो मकसद से कर रहा है, एक तो खुद भारत की भी सुरक्षा और भारत की भी मदद, तो वहीं दूसरा अगर ताइवान पर हमला करता है चीन, तो ताइवान को बड़ी मदद पहुंचाने के लिए भी अमेरिका को इसके नजदीक यहाँ पर एक एयरबेस चाहिए। आपको कुछ दिनों में इस पूरे इलाके में B-2 बॉम्बर्स की भारी तैनाती देखने को मिलेगी। वैसे हाल फिलहाल में चीन ने जिस तरह से आक्रामकता भारत के तरफ दिखाई है, ऐसे में भारत भी कहीं न कहीं इस मिलिट्री बेस को लेकर ऐसा लगता है जैसे हामी भर चुका है। जिस तरीके से अचानक से मॉरिशस में भारत का एयर बेस दिखा, वैसे ही कहीं भारत में अमेरिका का भी मिलिट्री बेस कुछ दिनों में जरूर दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अपने देश में B-2 बॉम्बर्स की तैनाती की अनुमति देकर ठीक करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।